हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, जो कि सबको जल चढ़ाना जरूरी है। देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में कांवड़िया वाले आ रहे हैं, जो कि आज ही जल इनका भी चढ़ेगा। तो हम सब मंदिर में आ चुके हैं जल चढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। सारा घर का काम निपटा के उसके बाद ही आई हूँ, क्योंकि रिया का टेस्ट था, वो स्कूल गई, उसके बाद में आई हूँ। जब तक मैं आई भीड़ ज़्यादा ही हो गई यहाँ पर। अगर सुबह जल्दी आ जाती तो काश इतना भीड़ ना होता, कि कोई बात नहीं, भोलेनाथ बाबा को जल चढ़ाना है तो आज चढ़ाना ही है। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर भोलेनाथ बाबा के मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सब अपने अपने श्रद्धा विश्वास से पूजा करेंगे। तो भोलेनाथ बाबा का शिवरात्रि पे समझ सकते हैं। वैसे भी तो हर सोमवार को ही भीड़ होती है, सावन में तो हर दिन आते हैं आने वाले लोग, लेकिन मैं तो सोमवार को ही आती हूँ। सोमवार के ही दिन आई दो बार, और उसके बाद आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पे भी आई हूँ। तो सब अपना जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हम सब भी हैं साथ में पूजा करते समय। तो यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ भोलेनाथ बाबा का। यहाँ पर दीपांशु भी मेरे साथ आया है, रिया तो स्कूल गई हुई है आज। तो आप लोग बताइए आप लोग कहाँ पर पूजा किए। तो हमारे गली में, हमारे घर के पास में ही मंदिर है, यहाँ पर भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ पर भी पूजा कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं घर पे ही पूजा करती हूँ शाम के टाइम, शाम सुबह दोनों टाइम, क्योंकि घर पे ही अपने हाथ से बना रखी हूँ शिवलिंग छोटा सा। तो गमले में भी आप बना सकते हैं, घर के अंदर कहीं भी बना के आप पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे तो मैं घर में ही पूजा करती रहती हूँ, लेकिन सोमवार के दिन या शिवरात्रि है आज, तो महाशिवरात्रि पे यहाँ पर आ गई। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि सबको पूजा करना है, लेकिन जब पूजा करने के लिए घुसते हैं जल्दी निकलते ही नहीं यहाँ से, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। अगर पूजा करके सब निकलते रहें तो इतना ज़्यादा जाम ना हो, भीड़ ना हो, लेकिन ऐसे ही है कि जहाँ जो खड़ा होते हैं वहीं खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पर कांवड़ वाले भी हैं, वैसे भी हम लोग भी हैं, तो सब लोग अपना पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जहाँ कहीं से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो आप सबको देखने को मिलेगा, बनाती रहूँगी, भेजती रहूँगी, आप सब तक पहुँचेगा ही। ऐसे आजकल मैंने वीडियो कम, मतलब बनाना वो ज़्यादा नहीं हो पाता, कम बना रही हूँ आजकल, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग किधर सावन का व्रत चल रहा है, सावन का सोमवार, और उसके बाद में घर का काम, और फिर जो मुझसे बन पाता है वीडियो में वो ज़रूर आप सब तक पहुँचा ही देती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं सब लोग, हम भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सावन में भीड़ भी काफ़ी हो जाती है मंदिर में, और आज यहाँ पर बारिश भी हुआ है। आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ आज बारिश हुआ या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो बारिश खूब हो रहा है आजकल, तो थोड़ा मौसम भी सही सा हो गया है, ठंडा सा अच्छा लग रहा है। मैं तो उस बीच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी उमस से, लेकिन इतने भीड़ में भी गर्मी लग रही है, क्योंकि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई हो, निकलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, सब एक के बाद एक घुसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा करके निकल जाएं, तो बस ऐसे ही भीड़ समझ सकते हैं आप लोग कि आज सोमवार तो है नहीं, लेकिन शिवरात्रि के चक्कर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने यार दोस्तों में, अपने जानने वालों में मेरे वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना, साथ देना, क्योंकि बहुत उम्मीद करती हूँ आप सबसे, बहुत उम्मीद लगा के रखती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो डालती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि चल कैसा भी वीडियो होगा आप लोग ज़रूर समझेंगे, आप लोग प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। देख सकते हैं आप लोग भी भोलेनाथ बाबा का दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि सावन के महीना में कहते हैं कि शंकर जी का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फलित है। तो यहाँ पर आरती पूजा सब कुछ हो रहा है, जैसे जिसकी श्रद्धा भाव है उस हिसाब से सब लोग अपना पहुँचे हैं मंदिर में। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, इसी तरह से वीडियो ब्लॉग दिखाऊंगी, बनाऊंगी, बताऊंगी आप सबको, और अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो पूरी कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, जो आप सब तक पहुँचे, आप सबको अच्छा लगे, पसंद आए। लेकिन कुछ दिनों से वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताई, और वीडियो इसलिए भी नहीं बना पा रही हूँ, समय भी नहीं मिल पा रहा है, काम भी इतना हो जाता है, और दिन भी देख सकते हैं कितनी गर्मी चिपकी वाली है, इसलिए नहीं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आए, अच्छी लगे। तो आप लोग कहाँ गए थे सावन में? तो मैं तो कहीं नहीं गई भाई, मैं तो अपने घर पे ही नहाती हूँ रोज़ रोज़, यहाँ जल चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, घर पे ही छोटा सा शिवलिंग बना रखी हूँ,
वहीं पर पूजा हो जाता है। हर सोमवार के दिन मंदिर में आती हूँ भोलेनाथ बाबा का पूजा करने के लिए। आप लोग कहाँ गए थे जैसे कि आप लोग बताइएगा, कोई हरिद्वार गया था, कोई नीलकंठ गया था, कोई कहीं गया था, आप लोग कहाँ गए थे ज़रूर बताना। और मेरे तरफ से भी आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन जो कहते हैं मतलब। तो आप लोग भी इसी तरह से प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना और महादेव से आशीर्वाद ले लीजिए, हर किसी का मनोकामना पूर्ण करेंगे भोलेनाथ बाबा। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और देख सकते हैं आप लोग कि भोलेनाथ बाबा का दर्शन आप सबको भी मिला, आप सब भी दर्शन करें। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो ब्लॉग जो भी है अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप डेली ब्लॉग बनाया करो, डेली ब्लॉग शूट किया करो, लेकिन मैं यही सोचती हूँ बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, किसका वीडियो बनाऊँ, फ़ोन पर वीडियो दिन भर का शूट करके फिर मैं आप सबको दिखाऊँ ब्लॉग में, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। कोशिश यही करूँगी कि मैं भी ऐसे ही ब्लॉग रोज़ का बनाऊँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मैं खाने का ही वीडियो बनाती रहूँ या डेली ब्लॉग बना के डालूँ, वो मतलब अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से सलाह मांग रही हूँ, राय ले रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मतलब क्या बनाऊँ, क्या करूँ, ऐसा जो वीडियो अच्छा जाए, आप सबको पसंद आए, अच्छा लगे, डेली ब्लॉगिंग करूँ या खाने का ही वीडियो डालूँ, या ऐसे ही जो मतलब थोड़ा बहुत मुझसे हो पाता है, कहीं घूमने घामने जाना, मंदिर का पूजा खाना, या घर पे थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, ये सब करके डालूं। आप लोग जो भी बताएंगे अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप सबसे बहुत उम्मीद है, बहुत आस रखती हूँ, और आप लोग हमेशा मेरे साथ दे रहे हैं। इसी तरह से अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यारा सा कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है कि हाँ आप लोग मेरे साथ हैं, सपोर्ट में हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अच्छी ब्लॉग वीडियो लेकर आती रहूँगी, आप सबको देखने को मिलेगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप सबसे जो मैंने राय मांगी है, सलाह ली है, वो ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या बनाऊँ, कैसा वीडियो बनाऊँ जो आप सबको अच्छा लगे, रोज़ का मतलब डेली ब्लॉगिंग करूँ या खाने का वीडियो या बच्चों के साथ मस्ती भरे पर, वो भी जो भी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिससे अच्छी व्यूज आए और आप सबको पसंद आए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, आप लोग बताइएगा।